अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम पिंक सोल के सेफ्रॉन ब्राइटनिंग फेशियल किट के साथ फेशियल करेंगे। सबसे पहले मैं इनका क्लेंजिंग मिल्क लेकर अपने फेस को सर्कुलर मोशन में अपने फेस पर क्लेंजिंग कर रही हूँ। और इस क्लेंजर की खुशबू इतनी प्यारी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे ये किट इतनी पसंद आई है ना कि आप बस आके सुनते जाएं कितनी पसंद आई है। तो सर्कुलर मोशन में पानी के साथ जो है हम अपने फेस की अच्छे से क्लेंजिंग करेंगे। और इस तरह से जिस तरह आप मुझे करते देख रहे हो, बिल्कुल हल्के हाथों से हल्के हल्के आपने अपने फेस की क्लेंजिंग करनी है। और मैंने कैमरा ऑफ करके अच्छे से क्लेंजिंग कर ली थी। मैंने स्पॉन्ज के साथ क्लेंजिंग को उतार दिया है। नाउ मैं इनका टीप क्लेंजर ले रही हूँ। टीप क्लेंजर जो है वो कुछ जेल फॉर्म में है और इसको अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर दिया। और पानी के साथ इसको अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई करने के बाद मैं सेम सर्कुलर मोशन में अपने फेस की क्लेंजिंग करूँगी। ये बहुत ही रिफ्रेशिंग है, बहुत ही ठंडा सा है, आपकी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट और क्लीन कर देता है। इनकी क्लेंजिंग मिल्क के बाद ही मेरी स्किन इतनी अच्छी हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि मुझे फेशियल की नीड ही नहीं है। तो हम अपने नेक की भी क्लेंजिंग करेंगे साथ साथ और अपने फेस को भी सर्कुलर मोशन में क्लेंज करेंगे। और नाउ इसको भी मैंने स्पॉन्ज के साथ क्लीन कर दिया है। एंड यू गाइस कैन सी कि मेरी स्किन कितनी क्लियर लग रही है। अब हम इन लेंगे सेफ्रॉन का ब्राइटनिंग स्क्रब। और स्क्रब के अंदर आप देख सकते हो सेफ्रॉन नज़र आ रही होगी आपको। और इस स्क्रब को मैं मास्क की तरह अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी। और यू गाइस डेफिनेटली बाय दिस स्पेशल किट मैंने इतने अच्छे रिजल्ट्स इससे एक्सपेक्ट नहीं किए थे। इवन कि आप इसके किसी भी प्रोडक्ट को खोलते हैं तो आप जो है ना बस ओके। सो दो मिनट बाद जो है इसको मास्क की तरह अप्लाई करने के बाद मैंने सर्कुलर मोशन में वेट फिंगर्स के साथ मसाज करना शुरू कर दिया है। स्क्रब हमारी डेड स्किन को रिमूव करता है, ब्लैक और वाइट हेड्स को रिमूव करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पर नेचुरली ग्लो आ जाती है। सो यू गाइस कैन सी कि मैं कितना आराम से स्क्रबिंग कर रही हूँ। वीडियो की स्पीड होने की वजह से स्क्रबिंग आपको तेज़ तेज़ होती हुई नज़र आ रही है। अच्छे से अपने फेस को स्क्रब करने के बाद हम अपने फेस को स्पॉन्ज के साथ क्लीन कर देंगे। एंड नाउ यू गाइस कैन सी द रिजल्ट्स। उसके बाद हम ब्राइटनिंग मसाज क्रीम लेंगे। और मसाज क्रीम के अंदर भी आपको सेफ्रॉन नज़र आ रही होगी। एक तो प्रोडक्ट्स की खुशबू और टेक्सचर इतना मज़े का है कि बस आपका दिल करे कि आप करते भी जाओ और खाते भी जाओ। तो बिल्कुल हल्के हाथों से हम अपने स्किन पर मसाज करेंगे खूब अच्छे से अपवर्ड डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन में। और मसाज क्रीम को हम अपने स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसको साफ़ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। और अच्छे से कैमरा ऑफ करके मैंने अपने स्किन का मसाज किया। और अब मैं इनका ब्राइटनिंग मास्क यूज़ कर रही हूँ और मास्क में भी आपको सेफ्रॉन नज़र आ रही होगी। तो मास्क हम पूरा अप्लाई कर लेंगे अपने फेस पर। यू गाइस कैन यूज़ माय कोड MARIAM10 फॉर 10% ऑफ। और मैं ये फेशियल किट आपको 100% रिकमेंड कर रही हूँ। मेरी सेंसिटिव स्किन है, ड्राई स्किन है और मेरी स्किन पे बिल्कुल भी इचिंग नहीं हुई, बिल्कुल भी ड्राई मेरी स्किन नहीं हुई, कोई रेडनेस नहीं हुई। एनी वाइज कैन सी द रिजल्ट्स। आई लव दिस फेशियल किट। आप डेफिनेटली इस फेशियल किट को बाय कर सकते हो। अब मैं इनका ब्राइटनिंग सीरम लेकर अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी। इससे मेरे फेस पर बहुत ही प्यारा सा ग्लो आ गया था। सो आई रियली लाइक दिस फेशियल किट। मैं इसको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ। आप मेरा कोड यूज़ करके 10% ऑफ पे ये फेशियल किट बाय कर सकते हो। एंड आई लव द रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच हुमा फॉर सेंडिंग दिस अमेजिंग किट। अब ये मेरी फेवरेट है। ओके गाइस, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।